Hello everyone, welcome to English Education. Today we will read a poem from 10th class which name is Dust of Snow. आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th class की poem को जिसका नाम है Dust of Snow और जिसके poet है Robert Frost. तो एक छोटी सी poem है जिसके माध्यम से जो poet है हमें ये बताना चाहते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे जीवन में बुरी नहीं होती हैं. कभी कभी नेगेटिव चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती हैं. हमें उन्हें देखने पर उन्हें फील करने पर भी अच्छा लगता है. तो पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी पोएम को. द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं, हो सकता है वो एक पेड़ के नीचे से जा रहे हो. वो कहते हैं कि जिस तरीके से, वे मीन्स होता है तरीका, जिस तरीके से कोए ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े मेरे ऊपर डाल दिए, यानी कि मेरे ऊपर गिरा दिए. जैसे ही मैं पेड़ के नीचे से गया तो जिस तरीके से उस कोए ने मेरे ऊपर वो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरा दिए, कहाँ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से. अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज़ हुए, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री. जो क्रो होता है वो भी नेगेटिविटी के लिए यूज़ होता है और जो हेमलॉक ट्री होता है वो भी नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि एक पॉइजनस प्लांट होता है, एक जहरीला पौधा होता है. तो यहाँ पर पोएट जो हैं उनका दिन जो है कुछ ख़राब चला गया था, उनका मूड थोड़ा अपसेट था. तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा और जिस तरीके से कोए ने मेरे ऊपर उस डस्ट को, डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिराया हेमलॉक ट्री से, तो क्या हुआ. ये दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं लेकिन फिर भी क्या हुआ. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो पोएट कहते हैं कि जो मेरा मूड था वो बदल गया, किससे, वो डस्ट के पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरने से मेरा जो मूड था वो बदल गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मेरा जो दिन का कुछ हिस्सा, कुछ भाग जो है रूड था, बेकार था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं उदास था, तो अचानक से वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि मेरा जो मूड होता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है. तो यहाँ पर कवि कहना ये चाहते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरने के कारण मेरा मूड पहले से अच्छा हो जाता है, जो पहले सही नहीं था. क्यों सही नहीं था, पोएट का दिन जो है अच्छा नहीं था इसलिए वो उदास थे. यहाँ बताया गया है कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आ जाती हैं. हमें उन्हें हमेशा नेगेटिव ही नहीं मानना चाहिए, अब अगर हम उन्हें पॉजिटिवली देखें तो वो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आती हैं. आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस पोएम में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. टिल देन बाय बाय.